नए साल 2022 के स्वागत में शुक्रवार की रात शहर जश्न में डूबा नजर आया। शहर के कोने में पार्टियों, आयोजनों और धार्मिक कार्यक्रम कोई बाहर रही। रात में पटाखों की गूंज के साथ रोशनी भी बिखरी रही। सर्दी के बीच रात 9 बजे से ही शहर के विभिन्न होटलों में गीत संगीत के आयोजनों का दौर शुरू हो गया। नए साल की खुशी के जश्न में लोग कोरोना प्रोटोकॉल भी भूल गए। अधिकांश लोगों के मुंह पर मास्क नजर नहीं आए। सोशल डिस्टेंसिंग तो कहीं पर भी देखने को नहीं मिली। इस दौरान मुख्य मार्ग, गली मोहल्लों में पुलिस के पुख्ता बंदोबस्त थे। शहर के प्रमुख और बड़े होटलों में पहले से ही न्यू ईयर पार्टियों के आयोजनों की बुकिंग हो चुकी थी। पार्टियों में डांस के साथ साथ अन्य इवेंट आयोजित किए गए। रात 12 बजने के साथ ही शहरवासियों ने एक दूसरे को गले लगकर शुभकामनाएं दी। चूंकि रात 1 बजे तक ही नाइट कर्फ्यू में छूट थी, इसलिए लोग पार्टियों से जल्द ही अपने घरों को लौट चले। कई लोगों ने कॉलोनियों, मोहल्लों और अपने घरों पर भी नए साल के स्वागत के जश्न का आयोजन किया। और हमारा भव्य साल का नया साल आएगा, जो बहुत खुशहाली आएगा। तो मैं चाहती हूँ कि हर साल मैं इन लोगों के साथ ही नया वर्ष सेलिब्रेट करूँ। किस तरीके से आपने सेलिब्रेट किया है? क्या हमने बहुत सारा मस्ती करा, डांस करा, फोटो खींची, मैं चाहती इंजॉय किया। और हमारा ग्रुप पूरा एक साथ है, यही हमारे लिए मजा है। हमारा ग्रुप मजेदार, बाकी सब बकवास। 2022 अभी एंजॉय हो रहा है। फर्स्ट हम लोगों ने कोविड को केयर किया है, क्योंकि कोविड की तीसरी वेव की आने की उम्मीद है, तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया है। पहला तो पॉइंट ये है। सेकंड, 9 वर्ष की जो आने वाली है, 12 बजे जो धमाल होने वाला है, उसको देखते हुए हमने इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है, जिसमें सूफी भी है, फ्यूजन भी है, मॉडर्न सॉन्ग्स भी हैं, देन काफ़ी सारे फ्यूजन किया गया है इस प्रोग्राम में। जी सर, इस प्रोग्राम को बेसिकली हमने दिल्ली से टीम को बुलाई है, जो इसमें मिस्टर सतीश कुमार हैं, जो फेमस गिटारिस्ट हैं। आप उनको देखें, उनको सुनें, उनको समझें, लोगों को एक न्यू ईयर पे एक नया चीज देने की कोशिश किया गया है, जिसको कुछ लोग पसंद भी करेंगे, कुछ लोग पसंद नहीं करेंगे। बिकॉज डीजे पे तो डांस हमेशा होते आया है अजमेर में, लेकिन अजमेर को नया चीज़ हमने दिखाने का कोशिश किया है इस बार, और वो हो रहा है और काफ़ी धूमधाम से हो रहा है। और आने वाले दिन में मानसिन इस तरह की पार्टी ऑर्गेनाइज करते रहेगी। और नए साल की सबको, आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, पूरे अजमेर वासियों की हार्दिक। सर, कोरोना भी चल रहा है, शहरवासियों को नए साल के किस तरीके की मतलब? अभी तो कोरोना पीरियड में सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें, मास्क लगाएं और भीड़ भाड़ से बचें, यही हमारी सबसे एक रिक्वेस्ट है, सो जिससे थर्ड वेव को रोका जा सके। गुड नेम सर, गुड नेम। माय नेम इज प्रभात रंजन सिंह, आई एम द जनरल मैनेजर ऑफ मानसिन ग्रुप ऑफ होटल्स। थैंक यू।